हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन यहाँ पर एच डी एफ सी एम सी आदित्य एम सी ज वेल एज निपोन और यूटीआई चारो एम सी की हम बातें करेंगे देखेंगे कहां पर क्या सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो मैं उन्हें भी जवाब देना चाहूंगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं सबसे पहले उन पर्टिकुलर स्टॉक से रेटी पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे बाइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए और यहां पर वीडियोस को जाके देखिए सीखिए सीख के पर आप चीजें खरीदेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा प्लेलिस्ट को गो करिए किसी के भी बैकअप में नहीं आना किसी के भी कहने पर नहीं आना सिंपल अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दे, देना और ना मेरे कहने पर ना किसी और के कहने पर कि कोई और आपको कुछ कह रहा है मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो आप कॉन्फ्लिक्ट में रहिए आप अपने आप को कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्सिटी में मत फसाइए सिंपल आप अपने कोई रखिए और उस कंसेंट्रेशन के साथ काम करेंगे पैसा अपने आप बनता है सो so, वीडियो में चलो आप आगे बढ़ते हैं जानते हैं तो so, व्हाट्सअप का नंबर नीचे पिंग, पिंग कर सकते हैं पे आप हमें अगर आपको कोई सर्विसेज से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे AMC की तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं HDFC डी एफ सी यहाँ पर आदित्य बिरला ए तो देखिए यहाँ पर मार्केट में गिरावट थी स्टिल यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि एक रिवर्स का रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से चीजें शायद ऊपर की तरफ जाके एक अच्छा खासा शेयर भाग सकता है तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आज के दिन में भागता हुआ भी दिखाई दिया शेयर अच्छा खासा और पॉजिटिव में यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई दिया तो इसके पीछे का रीजन क्या है इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था जो

खुद आते हैं खुद यहां पर अपने आप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में कम और खुद के पैसे यहाँ पर ज्यादा डाल रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है सारे के सारे मार्केट में आ रहे हुड इन्वेस्टर्स तो सिंपल सा मतलब क्या है सिंपल सा मतलब ये है कि जो पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा था अब सीधे डायरेक्ट मार्केट में आ रहा है तो इस वजह से मार्केट तो ऊपर जा रही है बट म्यूचुअल फंड के जो शेयर है वो यहाँ पर नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दिस इज द रीजन की यहाँ पर ये यह सभी चीजें ऐसे बट जैसे जैसे धीरे धीरे लोग थोड़े से शाने होंगे थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंसी आएगी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि आप जॉब भी करते हो आप यहाँ पर चौबीस

एच डी एफ सी एम सी की बात करें तो एच डी एफ सी एम सी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस मार्केट का सबसे बड़ा दिग्गज प्लेयर है ए एमसी बिजनेस में और वो भी सत्तावन हजार पांच सौ इक्यासी करोड़ के मार्केट कैप के साथ खड़ा हुआ है और सब जो इसकी आर ओ सी आर ओ ही है ना ये सबसे बेहतरीन डेट फ्री कंपनी है कोई भी यहाँ पर डेट नहीं है बट अगर हम देखें तो यहाँ पर टू हंड्रेड डीएमए के यहाँ पर नीचे चला गया है और यहाँ पर चीजें कुछ दो तीन फैक्टर होते हैं ओके okay, वो आपको एनालाइज करने होते हैं सबसे पहले हम रिजल्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सेल्स तो बढ़ती हुई नजर आई थी क्वार्टरली बेसिस पर बट यहाँ पर प्रॉफिट है ना प्रॉफिट थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया था यहाँ पर ईपीएस थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया था जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर देखें ईयरली बेसिस पे तो अच्छे रिजल्ट थे बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर फिसलता हुआ नजर आया था इसकी वजह से शेयर में थोड़ी सी गिरावट होती हुई नजर आई अब मैं आपको यहाँ पर ईयरली बेसिस पे अगर दिखाऊं तो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है कंपनी डेट फ्री कंपनी है शेयर होल्डिंग पैट पैटर्न सबसे बेहतरीन है जो बेस्ट के निकलता है कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर पकड़ लेती है एफ ने पैसा बढ़ाया एफ आई ने यहाँ पर कम कर दिया है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता एचडीएफसी डी अब मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा यहाँ पर मैं देख रहा था कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और दूसरों को भी डिमोटिवेट मोटिव, कर रहे थे देखिए नोबडी नोस कि कहां पर मार्केट जाके गिरेगा अभी निफ्टी में गिरावट हुई है ओके मार्केट रिकवर हो रही थी तो देखिए यहाँ पर यह, यहाँ पर भी रिकवरी का यहाँ पर संकेत आ गया था बट मार्केट में दोबारा क्रैश हुई तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट फिर दोबारा आती हुई नजर आई तो इसका मतलब क्या है कि नो बडी नोस की कहाँ पर जाके चीजें ऊपर जाएंगी कहाँ पर जाके नीचे जाएंगी सिंपल एक स्पेकुलेशन हम कर सकते हैं सिंपल हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बेसिस पे चीजें देख सकते हैं कि कहाँ पर चीजें हमें अच्छी नजर आ रही है कहाँ पर चीजें यहाँ पर थोड़ी सी बेकार नजर आ रही है एच डी जब आया था जब मार्केट में लोग पैसे नहीं लगा रहे थे तब यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा बना था यहाँ पर अड़तीस सौ रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई देता तब ये सबसे अच्छा शेयर हुआ करता था बट अभी कुछ टाइम से ये शेयर पैसे नहीं बना के दे रहा तो अभी ये सबसे बेकार शेयर ये लोगों की हिस्ट्री में आ गया है कि ये सबसे बेकार शेयर है ये सबसे बेकार शेयर है तो ऐसा नहीं होता सिंपल सा रीजन मैंने आपको बता दिया है अगर इतने बड़े अगर कोई ज्ञाता होता कोई कह कोई कह रहा है कि इस लेवल पर आएगा मैंने कहा था नहीं खरीदने को ये वो तो मैंने आपको कहा है बायोन डिप्स करिए सारा पैसा यहाँ मत लगाइए एक ही शेयर में मत लगाइए और भी यहाँ पर और बहुत सारे शेयर है बट जब ये शेयर चलना शुरू करेगा ना तब उन सभी की बोलती बंद हो जाएगी और ये शेयर सबसे बेहतरीन लेवल पर खड़ा हुआ है इतना तो ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए नाइनटीन के आर पे खड़ा है और जब यहाँ पर क्रैश हुआ था क्रैश के टाइम पे भी नाइनटीन के

चीजें कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी वो आपको भी नहीं पता यू डोंट नो अगर आपको इतना पता होता तो आप यहां पर मार्केट में कमेंट नहीं कर रहे होते यहां पर चैनल के आगे आप सिंपली अपना काम कर रहे होते और सिंपल लोग जैसे पैसे कमा रहे हैं राकेश झुंझुटवाला किसी पे कमेंट नहीं करते वो इसलिए अपनी राय भी नहीं देते राकेश झुंझुनवाला की मैंने इंटरव्यू देखा था ही डोंट गिव यू एनी एडवाइस वो किसी को एडवाइस नहीं देते सिंपल वो अपना काम करते क्यों क्या कैसे किस लिए का जवाब देने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ सिंपल यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आती

थी रिजल्ट थोड़े से फीके फ्लैट नजर आए इसलिए यहां पर चीज थोड़ी सी नीचे जाती हुई नजर आ रही है और वो भी किसके रीजन से मार्केट की हो रही है इसके रीजन से और सपोर्ट की बात करूं एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर शेयर चल रहा है ओके यहाँ पर इसने यहाँ पर आ, सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है शायद थोड़ा सा और गिरावट हो जाए तो देखिये मार्केट में कोई भी सुप्रीम नहीं है कि कोई कह रहा है पच्चीस पे आ जाएगा कोई कह रहा है तेईस पे आ जाएगा कोई कह रहा है दो पे आया आने को तो ये दो पे भी आ सकता है ओके ऑपरेटर है ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेटर ही यहाँ पर चीजें बेचते हुए नजर आएंगे और डराते हुए नजर आएंगे आप लोग डर के यहाँ पर निकल जाएंगे और जब ऑपरेटर यहाँ पर भग, भग, भगाना शुरू करेंगे शेयर को फिर यहाँ पर आपके हिस्से में नहीं आएगा फिर आप यहाँ पर लेके फिर फंस जाओगे तो चीजें समझिए जब चीजें नीचे होती है तब खरीदी जाती है जब चीजें ऊपर होती है तब यहाँ पर बेची जाती है तो यहाँ पर अभी खरीदने का मौका है तो यहाँ पर बायोन डिप्स करके यहाँ पर खरीदिए जब बेचने का मौका होगा तो हम यहाँ पर हम निकल निकलेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर निकलने का मौका हो गया है अब यहाँ पर खरीदने का मौका नहीं है तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर बी स्ट्रांग बनने की जरूरत है बी पेशेंट बनने की जरूरत है की पेशेंस रखने की जरूरत है और सिंपल सी बात है लोगों की सुननी नहीं है खुद की स्टडी करनी है मेन चीज ये है यहाँ पर सिखाई जाती है यहाँ पर बताई नहीं जाती है रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता रिकमेंडेशन देने के लिए

बट स्टिल अगर देखे अट्रेक्टिव बेशक से नजर आ रहा है आज के डेट में देखे तो ये इस शेयर की भी पिटाई करी है यहाँ पर इसके तो रिजल्ट और भी अच्छे थे स्टिल यहां पर अगर देखे तो ये शेयर और यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और अच्छी खासी गिरावट इसमें भी चार सौ रुपए से लेके इसमें भी तो इसमें पैसा डाल दीजिए एंड यहाँ पर भी एक बेहतरीन लेवल है ओके ये शेयर बट यहाँ पर फिफ्टी डीएमए को इसने तोड़ा है उसने टू हंड्रेड डीएमए को तोड़ा है तो ये चीज हमें दिशा देखनी चाहिए और बेहतरीन कंपनी में हमेशा कहता हूँ जब टू हंड्रेड डीएमए के नीचे आ जाता है तो शेयर और मैं सिंपल बता रहा हूँ छह महीने के अंदर अंदर

तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर में चीजें अच्छी ज्यादा नजर आती है ये शेयर भी देखिए यहां से बारह सौ रुपए से लेके करेक्शन कर रहा है बट यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ ये भी नजर आ रहा है बार बार इसी सपोर्ट पे आके रुक रहा है इसके रिजल्ट आएंगे उसके बाद पता चलेगा शेयर ऊपर जाएगा जाएगा या नीचे बट स्टिल मार्केट में गिरावट है तो यहाँ पर भी गिरावट है तो चीजें यहाँ पर समझनी है आपको इन चारों कंपनियों की तरफ ध्यान दीजिए लोगों की मत सुनिए खुद की ध्यान दीजिए कितना गिरेगा किसी को नहीं पता होता कितना भागेगा वो भी किसी को नहीं पता होता सिंपल यहाँ पर देखा जाता है या तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाइए या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो चीजें यहाँ पर नीचे के लेवल पर खरीदना शुरू करें जब ऊपर के जाए तो यहाँ पर बेच के निकले यहाँ पर फिर कितना गिरेगा तो बाय ऑन डिप्स करना है और कितना भागेगा तो यहाँ पर अच्छे लेवल पर हमें निकलना है सिंपल सी बात ये होती है कौन क्या कह रहा है किस लिए कह रहा है किसके किसके लिए कह रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि पच्चीस सौ पे आएगा एक हजार दो हजार पे आएगा आने दीजिए कोई परेशानी नहीं है दो हजार रुपये भी आएगा एच डी एफ सी ए एम सी तो बेहतरीन लेवल पर बन जाएगा फिर तो ये यह, यहाँ पर लोग ऐसे टूट के पड़ेंगे कि ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा बट यहाँ से गिरेगा नहीं डोंट वरी मार्केट में करेक्शन है तो इसमें भी करेक्शन है शायद दस बीस पचास रुपए और गिर जाए तो कोई बात नहीं गिरने दीजिए कोई परेशानी नहीं है चलिए जब भागना शुरू करेगी तो इसी तरीके से भागेगी और यहाँ पर कब विद हैंडल

कि यहाँ पर लोग बाहर निकले ओके okay, स्टॉक मार्केट से और आपको पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट में रहना पड़ेगा फिर शेयर कितना भी गिरता है अच्छे शेयर को यहाँ पर होल्ड करना है बेकार शेयर है तो यहाँ पर आप, आपको रिजल्ट देखने हैं फिर उसके हिसाब से यहाँ पर पोजिशन लेनी है बेचना है सेल करना है बट अच्छे स्टॉक्स में रहेंगे तो जितना नहीं जाएगा पैसा अपने आप बनता हुआ नजर आएगा छह महीने में पंद्रह से बीस परसेंट के रिटर्न ये भी शेयर देता हुआ नजर आएगा एच डी जितना भी गिर जाए तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट करिए और हमारी सर्विस चाहिए नंबर है कॉन्टेक्ट सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर अच्छे शेयर जो यहाँ पर गिरे हुए हैं किस लेवल पर खरीदने और कहाँ पर बेचने हैं वो सब बता दी जाएंगे सो थैंक यू सो मच कॉड ब्लेस